अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे उन फ़ोन्स की, उन मॉडल्स की जो कम प्राइस में रहते हुए आप लोगों के लिए अच्छा कैमरा आप लोगों को चाहिए होता है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हमारा बजट है 40,000 रुपया या 50,000 रुपया या 30,000 रुपया, तो हम लोगों को अच्छे कैमरे वाला फ़ोन चाहिए कि हमने व्लॉगिंग करनी है, पिक्चर्स लेनी है, अच्छी वीडियोस बनानी है, अच्छे कैमरे वाला हमें ज़्यादा मेगापिक्सल वाला फ़ोन चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास लो बजट 40,000 रुपया है लेकिन वो अच्छा फ़ोन चाहते हैं। तो उसमें जो मैंने तीन चार फ़ोन जो मैंने चूज़ किए हैं, बाकी काफ़ी कंपनीज आ रही हैं, काफ़ी कंपनीज अपने फ़ोन बना रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो फ़ोन है उनमें से जो अच्छे हैं और जो सबसे अच्छा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वक्त का जो आपका सबसे अच्छा ब्रांड लोगों को लगता है उसका जो सैमसंग है, सैमसंग का A05S, ये फ़ोन दो तरह से आया है, 6/128 और 4/128। जो 6128 वाला है अगर हम उसकी बात करें तो वो 45,000 का उसकी ऑफिशियली प्राइस है और आप लोगों के लिए मार्केट में तकरीबन 40 का, 42 का, 42 का आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन ये फ़ोन अपने 45,000 के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 50 मेगापिक्सल देता है। मैं आपको यहाँ बताऊँ, ज़्यादातर कंपनीज़ के जितने भी फ़ोन हैं, अच्छी कंपनीज़ के फ़ोन हैं, वो 50 मेगापिक्सल ही देते हैं अपने 40,000 की ब्रैकेट में। आपको 50,000 की 50 मेगापिक्सल मिलता है। और इसी तरह सैमसंग अपना जो A05S है, लेटेस्ट मॉडल है आजकल का, इस ये भी अपना फ़ोन जो है इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं 45,000 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीवो की। वीवो का ये जो फ़ोन है Y18, ये वीवो की तरफ से लेटेस्ट मॉडल है 40,000 में। ये 43,000 का ऑफिशियली प्राइस है और अगर आप मार्केट जाते हैं तो ये भी आपको 1,000, 2,000, 39,000 तक इजीली आपको मिल जाता है। और ये भी दो तरह से आए हैं, 6128 और 4128। ये भी अपना जो बैक कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल तक ही देता है। इसका जो बैक कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलमी, रियलमी C63 की। ये फ़ोन भी बड़ा प्यारा फ़ोन इन्होंने बनाया है रियलमी का। ये भी जो आया है ये भी दो तरह से आया है, 6128 और 8128। अगर हम 6128 की बात करें तो ये 40,000 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है ऑफिशियली प्राइस, और ये भी फ़ोन 50 मेगापिक्सल है। मैंने आपको बताया कि जितने भी कंपनीज़ के आप कोई भी कंपनी का फ़ोन डालें, आप इन्फिनिक्स का भी ले लें, इन्फिनिक्स का भी जो हॉट 40 फ़ोन आया हुआ है इतनी ब्रैकेट में वो भी आपका 50 मेगापिक्सल है। ओप्पो देख लें, जो ओप्पो है वो इसका वो भी 6128 में 45,000 का आ रहा है, A38, वो भी आपके पास वो 50 मेगापिक्सल कैमरा लेके आता है। लेकिन लेकिन एक कंपनी है, एक फ़ोन है जो कि अपना कमाल कैमरे के साथ ज़बरदस्त प्राइस के साथ आपको रेडमी 13 जो है ये 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आपको फ़ोन दे रहा है, जो कि ये भी दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है, 8128 और 8256। अगर हम बात करें 8128 की तो ये 43,000 में ऑफिशियली प्राइस में अवेलेबल है आप लोगों के लिए मार्केट में, और इसका जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल कैमरा है। ये बहुत ही कम पैसों में आप लोगों के लिए एक कमाल का फ़ोन है, और 108 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। अगर आप सैमसंग किसी भी बड़े ब्रांड में आप जाते हैं तो वो इतना कैमरा कम से कम 1,00,000 रुपये का पाकिस्तानी या कम से कम आप लोगों को 1,00,000 से ऊपर ही मिलता है 108 मेगापिक्सल कैमरा। ये लोग 108 मेगापिक्सल सुपर क्लियर कैमरा दे रहे हैं जो कि कमाल का फ़ोन है इस वक्त का, और आप लोग इससे व्लॉगिंग करें, आप पिक्चर्स खींचें बाहर, जो आउटडोर के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है, आउटडोर की इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इन सब की मेरे चैनल पे अनबॉक्सिंग की वीडियोस पड़ी हैं इसकी, रेडमी 13 की, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, ये जो मेरी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है वो भी आप लाजमी देखिएगा, ये फ़ोन बहुत अच्छा है।
अंडर 40,000 बेस्ट फ़ोन रहेगा आप लोगों के लिए हर तरह से। इसकी बैटरी अच्छी है, इसके साथ चार्जर 33 वाट का चार्जर आ रहा है, 108 मेगापिक्सल, अगेन बहुत अच्छा कैमरा है। लाजमी आप लोग इसमें अगर 40,000 का यही फ़ोन आप लोग खरीदें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।